देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवर्धन पूजा वाले दिन केदारनाथ धाम है। वहीं उन्होंने उनकी मन में श्री केदारनाथ धाम के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले कार्यकाल में वे 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। कहते हैं जो कर्मयोगी शिव का तप करते हैं उसका परिणाम भी उनके कार्यों में नजर आता है। पीएम नरेंद्र मोदी की शिव पर आस्था, काशी के विश्वनाथ से लेकर बाबा केदारनाथ तक शिव धामों के कायाकल्प में भी नजर आती है। करीब 8 साल पहले केदारनाथ धाम में एक भयानक त्रासदी आई थी। तब दुर्गम पहाड़, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, मुश्किल मौसम को देखकर लोगों को लगा था कि उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम में पुरानी रौनक अब नहीं लौट पाएगी। लेकिन शिव भक्त से मिलने वाली संकल्प शक्ति ने एक स्वप्न को सत्य करके दिखा दिया। वर्ष 2013 को त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह से बदल गया है। अब वहां केदारनाथ मंदिर, श्रद्धालु और वहां रहने वाले सेवादारों की सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम हो चुके हैं। पीएम मोदी के केदारनाथ धाम दौरे की वजह से रुद्रप्रयाग जिले समेत पूरे उत्तराखंड में कई जगह कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य भगवान शिव के उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ मंदिर के भीतर पूजन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री को पूजन करा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान शिव के स्वरूप बाबा केदारनाथ को बाघम्बर वस्त्र भेंट किया है। उन्होंने इससे पहले मंदिर की परिक्रमा भी की। केदारनाथ धाम में पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा की आरती करते हुए देश के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद पुरोहित ने पीएम मोदी को तिलक लगाया। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष की माला, पित वस्त्र और शाल पहना कर उनका अभिनंदन किया। मंदिर में पूजन करने के बाद पीएम मोदी ने भगवान शिव के स्वरूप का स्पर्श करते हुए शीश नवाया और इस तरह अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजन के समय बाबा केदार का रुद्राभिषेक भी किया। मंदिर में पूजन के बाद अब वे मंदिर से बाहर निकल गए हैं। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजन के बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद पीएम मोदी उस प्रतिमा के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पीएम मोदी ने अपनी पूजा पाठ के बाद तीर्थ पुरोहित से भी मुलाकात की। केदारनाथ में कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ का दर्शन करना सौभाग्य की बात है। इस दौरान आदि शंकराचार्य की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करते समय लगा कि मूर्ति से प्रवाहित हो रहे तेज पुंज से भरे भारत का विश्वास मजबूत हो रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर भव्य रूप से हमारे बीच मौजूद है। यह मंदाकिनी नदी पर बने पुल से गुरुन चट्टी का मार्ग भी सुगम किया गया है। आज रात्रि सेवाओं और उनकी सुविधाओं से जुड़ी कई सुविधाओं की शुरुआत हुई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यात्रियों और इस इलाके के लोगों की सुविधाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल और यहाँ बना सेंटर सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों के केदारनाथ यात्रा को और सुलभ बनाएगा। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे एसडब्ल्यूबी हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।